नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से फिर एक दिल दहला देने वाली खबर है। पशुओं के लिए चारा लेने गई 3 बेटियां जंगल में पेड़ से बंधी पाई गई है। 2 की मौत हो चुकी है और एक गंभीर स्थिति में है। तीनों लड़कियां दलित वर्ग से है एवं तीनों नाबालिग है। काजल की उम्र 12 वर्ष और कोमल 16 वर्ष, दोनों की मौत हो चुकी है और एक बालिका जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। परिवार का आरोप है कि रेप के बाद मर्डर हुआ है। पुलिस हथरस जैसे मामले की तरह आनाकानी कर रही है। इस तरह के जघन अपराध हौसी दरिंदों के द्वारा यूपी में एक पर एक घटना का अंजाम दिए जा रहे हैं। मौके पर भीम आर्मी की टीम डीपी नोसत जी के नेतृत्व में डटी हुई है। सूत्रों के अनुसार भीम आर्मी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। भीम आर्मी की मांग है इस केस की एकमात्र गवाह जो बची वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तत्काल उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली AIIMS में भर्ती कराया जाए। बने रहिए बीआरजी टीवी के साथ। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार, धन्यवाद। इसमें 2 की मौत क्या हो गई और वो जो है उसको बांधे हुए थे, हाथ बांधे हुए थे और एक बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही रीजेंसी हॉस्पिटल में। हम लोग पूरे परिवार को तन से मन से धन से हर तरीके से मदद करेंगे और जिन लोगों ने जास्ती की है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि उसको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो रीजेंसी में आए और करीब काफी देर से उसको हीला हवाली करते रहे, उसके इलाज में पैसे के चक्कर में उसका इलाज जो नहीं किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। क्या लगता है अभी उसके परिवार से कोई बात? मुझे, मैं पूरे परिवार से बात कर रहा हूँ और उसको वहाँ पर भी हमारे लोग जाएंगे और पूरे प्रशासन और शासन से हर कीमत पर जो है इनको न्याय दिलाएंगे।